सिमरन गुप्ता जी, आपने मिस गोरखपुर का कभी आपके सर पर ताज हुआ करता था, क्या ऐसी आपकी ज़रूरत पड़ गई कि आप स्टॉल लगाने लगी चाय? गलत रास्ता होता, अगर मैं एक्सेप्ट करती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती, कहीं और होती। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी नीयत सच्ची है तो बड़ा। हम सफ़र आपको कैसे थे? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मेरे मम्मी पापा डिसाइड करें। फिर भी मन में ख्याल तो कुछ? मम्मी पापा डिसाइड कर, चार्ज है वो, उसकी एक्सपायरी डेट कब है ये आपको नहीं पता, लेकिन आपके एक महीने का रिचार्ज का आपको पता है एक्सपायरी डेट कब है। भाई गोरखपुर में और देख सकते हैं कि हमारे सामने एक लड़की आप लोगों को दिख रही होगी, ये लड़की आम लड़की नहीं है, बल्कि आपको हम बता दें कि मिस गोरखपुर रह चुकी हैं और इनके सिर पर एक समय था कि ताज हुआ करता था, लेकिन देखिए कि समय के हिसाब से अपने आप को ये ढाली, अपने आप को संभाली और आज ये चाय बेच रही हैं। और आपको हम बता दें कि ये लड़की तब सुर्खियों में आई थी जब ये फुटपाथ पर अपना ठेला लगाकर चाय बेचती थी, आज भगवान की कृपा से और इनकी मेहनत के बदौलत आज ये तीन स्टॉल खोल चुकी हैं और तीनों जगह अपने अपने कारीगरों को रखी हुई हैं। लेकिन ये आज भी देखिए कि आज ही भी ये बेमिसाल कह सकते हैं और उन लड़कों लड़कियों के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, कहा जाता है कि हमारे एक हिंदी में कहावत है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बनकर जियो। ठीक उसी प्रकार से देखिए कि हमारे साथ ये लड़की है, आज ये स्टॉल खुल चुकी है और एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन स्टॉल की मालिक हैं। क्या नाम है आपका? सिमरन गुप्ता। सिमरन गुप्ता जी, आपने मिस गोरखपुर का कभी आपके सर पर ताज हुआ करता था, क्या ऐसी आपकी ज़रूरत पड़ गई कि आप स्टॉल लगाने लगी चाय बेच? घर के हालात हर चीज़ सिखा देते हैं और हालातों के आगे घुटना टेक देना है ये अच्छी बात नहीं है, तो आप उससे अगर डट के लड़े रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मंजिल मिल जाएगी। तो बस वही हमने सोचा, वही पकड़ा, आगे बढ़ गए और आज आपके सामने है दो स्टॉल और ये तीसरा अपना कैफ़े, अपना मेन आउटलेट। दो स्टॉल और है, ये मेरा तीसरा आउटलेट है। अच्छा, ये सब पैसा करती क्या है? अब तो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। देखिए, ये पैसा सिर्फ मेरा नहीं है, जो हमारे साथ जो मेरे साथ साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे वजह से कई लोगों का परिवार आज चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, पैसा हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो अलग। सिमरन गुप्ता जी, आप एक लड़की हैं, एक मॉडल रहती हैं, आपको नहीं लगता है मन में खल नहीं होती है कि मैं मॉडल आज होती, आज मैं चाय बेच रही हूँ, काश मैं मॉडल होती, अपनी दुनिया अलग बनाती मॉडल की दुनिया में? मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, मुझे जो काम अच्छा लगता है वो मैं कर रही हूँ, जिससे मुझे खुशी मिल रही है, तो वो भी मेरा चल रहा है। मॉडलिंग का भी जो मेरा काम है वो भी अभी कंटिन्यू है और बिज़नेस भी कंटिन्यू कर रही हूँ। आज एक मीटिंग थी, मैं मीटिंग करके आई हूँ, मॉडलिंग से रिलेटेड जो भी शूट्स वगैरह थे तो वो भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ। भाई, नाम है मॉडल चाय वाली, सिर्फ नाम नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन और बिज़नेस दोनों साथ साथ है, तो दोनों को साथ साथ ले कर चलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जो कि मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ सपोर्ट भी पब्लिक भी कर रही है, अभी भी सपोर्ट कर रही है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब हो रही है तभी पॉसिबिलिटी हो पा रही है कि हम उस चीज़ में आगे बढ़ पाए। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप मॉडल से हट करके जब चाय के स्टॉल आप खोले तो कैसे लोगों का रिएक्शन रहा था? देखिए, कोई भी चीज़ आप समाज से थोड़ा हट के करेंगे तो लोगों को वो चीज़ एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जब एक बार वो चीज़ समझ जाते हैं, समाज जब ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जो काम हो रहा है वो एक नीयत, उसमें अच्छी नीयत है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है, लोगों को वो फिर अच्छा लगने लग जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर कोई गलत रास्ता होता, अगर मैं एक्सेप्ट करती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती, कहीं और होती। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी नीयत सच्ची है तो बरकत पक्की है। सर, जब भी आप स्टार्ट की होंगी तो बहुत ही बोलते होंगे, लोग बोलते होंगे कि अरे अरे बहुत ही मॉडलिंग को ले बड़ी आ गई अपना औकात पर, लेकिन आज वही लोग क्या कहते हैं? देखिए, वाले लोग बहुत हैं, बोलने वाले इतने हैं कि आप उनका मुंह नहीं रोक सकते हैं। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी ज़बान है, आपकी अपनी सोच, मुझे मेरी सोच पे अपने काबू है और मुझे क्या करना है ये मुझे पता है। हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है उसको लाइफ में। देखिए, हम लोग का एक मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में 1 GB डेटा डेली मिलती है, उस 1 GB की डेटा को 24 घंटे में हम कैसे यूज़ करते हैं ये हमें बहुत चिंता होती है, लेकिन जो ऊपर वाले ने आपको 24 घंटे दिए हैं और आपकी एज कितनी है, वो जो रिचार्ज है, जो आपकी एज की रिचार्ज है, वो उसकी एक्सपायरी डेट कब है ये आपको नहीं पता, लेकिन आपके एक महीने का रिचार्ज का आपको पता है एक्सपायरी डेट कब है, तो आप उस 1 GB को किस तरीके से यूज़ करते हैं ये पता है, तो आप 24 घंटे को किस तरह यूज़ कर रहे हैं ये आपको देखना है। तो बस उस चीज़ को अगर इंसान समझ जाएगा तो शायद हर एक काम को इंसान आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अच्छा, आपका मॉडलिंग भी चल रहा है? जी, बिल्कुल चल रहा है। अच्छा, मॉडलिंग में क्या आने वाला है आगे, क्या देखा जाए? सिमरन गुप्ता किस पर्दे पर नजर आएंगे?
बस धीरे धीरे सारी चीज़ें अब लाइन पे आ चुकी हैं, जैसे पहले थी वैसे ही हो गई हैं, और जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो मेरा इंस्टा और यूट्यूब पे पेज है, तो उस पर पब्लिक को पता चलता रहेगा। अच्छा, इंस्टा और जो भी आपका जो यूट्यूब पर चैनल है बता दीजिए दर्शकों को। सिमरन गुप्ता मॉडल चाय वाली नाम से ही है, और यूट्यूब पर भी मॉडल चाय वाली नाम से ही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा, मॉडल चाय वाली हो गई, एक्टर का भी आपका काम जो है बखूबी चल रहा है, क्या लगता है लोगों को और क्या देखने को मिलेगा सिमरन गुप्ता जी आगे भविष्य में? मतलब कोई ना कोई, देखिए जीवन जीने के लिए कोई ना कोई हम सफ़र की ज़रूरत होती है, कोई हम सफ़र है या अभी? देखिए अभी हम सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, जो कि हर व्यक्ति को, देखिए अभी मेरे पास समय है, हर इंसान के पास 30 साल तक का समय होता है, 10 साल अपने आप में देना चाहिए। हाँ, और जब आप अपने आप को देंगे तो आप इम्प्रूव करेंगे, तो पहले हमें अपने काम पे ध्यान है, फिर जो शादी है और बाकी सारी चीज़ें वो होती रहेंगी, वो जब जैसे होनी होगी, जहाँ होनी होगी, जिसके साथ होनी होगी वो हो जाएगी, तो और वो सारी चीज़ें। अच्छा, कैसा चाहिए हम सफ़र आपको, कैसा चाहिए? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मेरे मम्मी पापा डिसाइड करेंगे। फिर भी मन में ख्याल तो कुछ मम्मी पापा डिसाइड करेंगे, इतना मैं सोचती नहीं हूँ, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है, मुझे अपने काम से ही फुर्सत। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, बाकी जो लड़कियां हैं आज भी हमारे देखा जाता है गांव देहात में सुदूर इलाके में, वो लड़कियाँ पर्दे से बाहर नहीं आ पाती हैं, सिमरन गुप्ता उन लड़कियों के लिए भी मिसाल बनी हुई है जो आज अपने पैरों पर खड़े हैं और माँ बाप के साथ साथ एक गोरखपुर और ये पूरे इंडिया के नाम रोशन कर रही है, क्या कहिएगा उन लड़कियों के बारे में? देखिए अगर आगे बढ़ना है और अपने पैर पे खड़ा होना है तो हर पर्दे से निकलिए, हर चीज़ से निकलिए बाहर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, लेकिन लड़कियों को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और लड़कियां ही नहीं लड़कों को ही, सबको आज के टाइम में अपने माँ बाप का सपोर्ट करना चाहिए, कम से कम इतना करना चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि माँ बाप को वृद्धाश्रम ना भेजना पड़े, क्योंकि अगर आपके पैदा होते ही अगर माँ बाप अनाथालय भेज देते तो ये आपको बात बहुत खलती, तो ठीक उसी तरीके से माँ बाप भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चों का रूप हो जाते हैं, तो उनको भी वही देख रेख वही चीज़ होनी चाहिए, तो बेसिक सी चीज़ है कि आप पहले माँ बाप का ध्यान दें, फिर आगे के लिए कुछ सोचें, बाकी के लिए माँ बाप आपके होंगे साथ। चलिए बिल्कुल, सिमरन गुप्ता ने बेबाकी अपने बातों को रखा, और ये सही एक बात इन्होंने कहा कि माँ बाप का ख्याल जरूर रखें, और माँ बाप की जो इज्जत आबरू होती है उसका मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी काम करिएगा तो आगे जरूर बढ़िएगा। यही खबर मैं गोरखपुर से दिखा रहा था, सिमरन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी थी, जो कि आप लोगों ने सुना होगा एक्टर चाय वाली के नाम से प्रसिद्ध है, यही खबर मैं दिखा रहा था, बने रहिए और देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद, प्रणाम।